नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल। शुरुआत करेंगे खबरों की। सतपाल महाराज की अग्निवीर योजना को लेकर जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज लिखित पत्रों और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो इसको लेकर आखिर क्या कहा भाजपा के विधायक दिलीप रावत ने? कैसे यूपी का हरदोई बना किन्नरों के विकास के लिए वरदान, और कहां मिला पुलिस विभाग को नशीली दवाइयों का जखीरा? जानने के लिए रुक करेंगे बुलेटिन की पहली खबर का, जो कि देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के दौरान सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई। परिवहन विभाग, लोक निर्माण, उद्यान विभाग, राजस्व, न्याय विभाग, शिक्षा, चिकित्सा विभाग से जुड़े कई विषयों पर मंत्रिमंडल ने विस्तार से चर्चा की। कैबिनेट की बैठक के बाद उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने बैठक में रखे गए मुद्दों की जानकारी भी दी। आप अवगत ही हैं कि कोविड के दौरान अचानक इतना काम बढ़ गया था कि काफ़ी लोगों को तुरंत लगाना पड़ा, इतने बड़े संख्या में जो पेशेंट थे उनका ध्यान रखने के लिए, तो उनका निर्धारित समय सीमा के लिए ही उनको रोज़गार दिया गया था। 1662 ऐसे कर्मी थे जिनको टेम्परेरीली लगाया गया था, उनका समय अवधि ख़त्म हो गई थी और फिर उनकी मांग थी कि इनको समय बढ़ाया जाए। इसमें 676 चिकित्सा शिक्षा के हैं और 986 स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के हैं। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इनको ज्वाइन करने की तिथि से कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि इनका कार्य पहले संतोषजनक रहा हो, वहां से सर्टिफिकेट लेके आएंगे जहां इन्होंने कार्य किया। अग्निवीर योजना को लेकर जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज लिखित पत्रों और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री वीडियो को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री तक से मामले को लेकर बातचीत कर चुके हैं, तो वहीं भाजपा के विधायक दिलीप रावत ने महाराज को लेकर अलग ही बयान दिया। भाजपा विधायक दिलीप रावत ने कहा कि अग्निवीर योजना नियम अनुसार चल रही है, जो भी व्यक्ति योजना को लेकर सवाल खड़े कर रहा है वो खेदजनक है। कोई मानक में कमी नहीं है, और जो मानक पूर्व बताए थे वो अभी भी हैं, और मैं तो स्वयं 2 दिन तक उस कैंप में रहा हूँ कोटद्वार के, और मैं समझता हूँ कि जितनी अच्छी व्यवस्था हो रही है और बिल्कुल मानकों के अनुसार हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपेक्षा है कि हम फौज में सेवा दें, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए लोग थोड़ी सी बात करें, लेकिन ये पूर्वतः निराधार है कि मानकों के विपरीत कार्य हो रहे हैं। फरुखाबाद में दबंगों का जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर से अभद्रता का मामला सामने आया। साथ ही महिला डॉक्टर का आरोप है कि दबंगों ने उनसे मारपीट भी की। महिला डॉक्टर ने बताया कि जिला अस्पताल में दबंग पत्रकार बनकर अवैध वसूली करने लगे। दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में महिला डॉक्टर से मारपीट की घटना को अंजाम दिया। महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया कि दबंग शराबखोरी के लिए रुपए मांगते हैं। साथ ही दबंग युवक महिला डॉक्टर के पति के अस्पताल के भी कई बार वसूली कर चुके हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है, साथ ही जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराने और उन्हें कल्याण के लिए एक अलग बोर्ड ही काम करेगा। इसके लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया, जिसका गठन हरदोई में भी हुआ। इसमें किन्नर समाज की हरपालपुर की काजल के साथ प्राची और रिंकी चौहान को सदस्य बनाया गया है। ये लोग पूरे जिले में इस समाज के कितने लोग कहाँ रहते हैं चिन्हित कर इनकी आईडी कार्ड बनवाएंगे, जिससे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस समाज को दिया जा सके। सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में एक कल्याण किन्नर बोर्ड की समिति का गठन हो चुका है, उसकी बैठक कराई जा रही है। वर्तमान समय में ये चिन्हित किया जा रहा है कि हरदोई जनपद में कितने किन्नर समाज यहाँ निवास करते हैं, उनमें से काजल किन्नर हैं हरपालपुर की, और प्राची और रिंकी चौहान, इन लोगों को कमेटी का मेंबर बनाया गया और इनको ये दायित्व दिया गया है कि अपने समाज के जितने भी किन्नर समाज के लोग जहाँ जहाँ निवास करते हैं उनको जो है आइडेंटिटी कार्ड बनवाएं। अपनी बहनों से कहना है कि आप सभी लोग मतलब समाज कल्याण से आप अपना आधार और पहचान पत्र जो भी
आडी प्रूफ वगैरह बनवाना चाहें तो वो बहनों से कहना निवेदन है कि आप लोग सब अपना अपना प्रूफ बनवाएं। संभल के बनिया ठेर में दलित महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। महिला ने आरोप लगाया है कि जो महिला बाइक पर पति के साथ जा रही थी तो दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने उसे छेड़छाड़ की। साथ ही महिला ने न्याय न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। मामले को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले में आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। संभल के मतावली पट्टी निर्माणाधीन लेंटर भरभरा कर गिर गया। घटना में लेंटर पर काम कर रहे आधे दर्जन मजदूर मलबे में दबकर घायल हो गए। आनंद फानन में सभी घायल मजदूरों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी मजदूरों का इलाज चल रहा है। जम्मू में सड़क दुर्घटना में घायल और इलाज के दौरान शहीद होने वाले सूबेदार मेजर नंदन सिंह चौमियाल का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां के स्थानीय शमशान घाट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद की अंत्येष्टि की गई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। श्री नंदन सिंह चौमियाल एसआईजीडी फोर्थ बटालियन धीरांग में तैनात है। फोर्थ बटालियन धीरांग की एक प्लाटून अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में तैनात थी। यह प्लाटून हमारी आईटीबीपी कंपनी के साथ ड्यूटी पूरी करने के उपरांत वापस वाहिनी मुख्यालय आमद हो रही थी, जो कि जेएनके की बस में सवार थी। चंदनबाड़ी के करीब यह बस नियंत्रण खोने के कारण नगर सितारगंज के महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के सभागार में भारत विकास परिषद उत्तराखंड के मेंबर्स की एक बैठक की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत विकास परिषद उत्तराखंड द्वारा एक विशाल प्रांत स्तरीय भारत को जानो लिखित परीक्षा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो कि पूरे प्रांत में एक साथ 27 अगस्त 2022 को होने जा रही है। इसमें पूरे प्रांत से सितारगंज, रुद्रपुर, लालकुआं, काठगोदाम, हल्द्वानी, खटीमा शहरों से लगभग 20 शाखाएँ प्रतिभाग कर रही हैं। एक सामाजिक संस्था है जो समाज में संस्कार और सेवा के कार्यक्रम करती है। तो ये जो हमने मीटिंग रखी है, इसमें एक संस्कार डेवलप करने के लिए अपने जो समाज में विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके अंदर समाज में संस्कार डेवलप हो और भारत के इतिहास, भूगोल, धर्म और संस्कृति की सही सही जानकारी उन तक पहुँचे, उसके लिए हमने भारत को जाने एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर तो इसका टॉप मोस्ट चरण हो गया। इसका पहला चरण होता है कि प्रत्येक विद्यालय में हम वहाँ जाकर के लिखित परीक्षा कराते हैं। तो लिखित परीक्षा 27 अगस्त को पूरे उत्तराखंड पूर्व प्रांत में एक साथ एक ही दिन सभी विद्यालयों में कंडक्ट करा रहे हैं। उस परीक्षा की तैयारी हेतु आज की ये मीटिंग। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में रात करीब 11 बजे से लगातार बारिश के कारण गंगोत्री मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। इसकी वजह से मार्ग पर बड़े बड़े बॉर्डर और मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। वहीं बारिश और मलबा आने से कहीं क्षेत्रों में नेटवर्क भी बंद रहा, तो जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चमोली में एसडीआरएफ को जोशीमठ से सूचना मिली कि करछू गांव में एक व्यक्ति बह गया है। सूचना पर जोशीमठ पोस्ट से हेड कांस्टेबल देवेंद्र के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची। एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर सर्चिंग की, लेकिन सर्च रिपोर्ट शून्य रही। व्यक्ति का नाम नंदन सिंह विष्ट बताया जा रहा है, जो पुलिया पार करते समय पैर फिसल जाने से नदी में बह गया। ऋषिकेश एम्स के पास शिवाजी नगर में नियमों के विपरीत चल रहे 4 मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर ने ताला लगा दिया। शहर के बीचों बीच नशीली दवाओं का व्यापार चल रहा है। आईडीपीएल के दुर्गा मंदिर के पास घर के अंदर नशीली दवाइयों का धंधा कर रहे एक मेडिकल स्टोर संचालक को भी गिरफ्तार किया गया। देव हेल्थ केयर की लगातार शिकायतें मिल रही थी, और जैसा कि कोतवाली ऋषिकेश द्वारा मुझे अवगत कराया गया था कि यहाँ पे जो है देव हेल्थ केयर के द्वारा कुछ जो नारकोटिक दवाएं हैं उनका कहीं दूसरी जगह से सेल परचेज करके लोगों को दिया जा रहा है,
और आज हमने मौके पर पुलिस टीम के साथ हमने यहाँ पर रेड किया है, तो मेडिकल स्टोर पे तो ऐसा कुछ ज़्यादा मिला नहीं, बट इसके घर में से बहुत सारी दवाइयाँ जो कि लगभग अभी तक काउंटिंग चल रही है हमारी, और 20-25 हज़ार के आसपास यहाँ पर ट्रामाडोल और अल्प्राजोलाम की दवाइयाँ मिली हुई है, और अभी कार्रवाई अमेठी में अहमानियत का मामला सामने आया, जहां एक युवती घायल अवस्था में गांव के समीप झाड़ियों में अर्धनग्न मिली। युवती के परिजनों ने रेप का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने युवती को अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पीड़िता की मां ने बताया कि सुबह बेटी अचानक घर से गायब हो गई, देर शाम वो झाड़ियों में अर्धनग्न अवस्था में मिली। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक ब्रजेश यादव ने बताया कि लड़की के शरीर पर चोट के निशान हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि चाकू से वार किया गया है। प्राथमिक इलाज के बाद जिला चिकित्सालय उसे रेफर किया गया। भैया अभी एक घायल अवस्था में लड़की आई थी, क्या है पूरा कुछ मामला? एक लड़की आई है, उसमें बहुत सारा जो है चोट के निशान है, गंभीर चोट के निशान है। मरीज वैसे तो अभी स्टेबल है, जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन सीरियस स्थिति को देखते हुए और चूंकि महिला का मामला है, इसको चोटें बहुत ज़्यादा जगह लगी हुई हैं, कट पिट गया है, इसलिए इनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्रथम दृष्टया देखते ही क्या लग रहा है, किस चीज़ के निशान हैं? अब ये चोट राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते चंबल पर बने 3 बांधों सहित कोटा बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। चंबल के तटवर्ती इलाकों से 2 दर्जन से ज्यादा गांवों के लोगों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। पानी का जलस्तर बढ़ने से गांवों में पानी भर गया। आपको बता दें कि इस बार रिकॉर्ड टूटा है, 2019 का रिकॉर्ड बताया जा रहा है। बिनाहाट घाट पर खतरे के निशान 130 को पार कर 136 मीटर पहुंच गया है। इससे दर्जनों गाँव पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। और अब खबर औरैया जिले से, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल रोड में एसएफ डिग्री कॉलेज के प्रबंधक और उनके बेटे और पत्नी की संदिग्ध हालत में गोली लगने से घर के अंदर मौत होने से सड़का मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। से मेरे पास सूचना है कि इस तरीके का ये घटनाक्रम घर में हुआ है। इसमें संदीप जी हमारी बेटी है चाची श्री मीरा पोरवाल और मेरा चचेरा भाई शिवम पोरवाल, उनका लगभग 26 वर्ष। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वाली इंडिया के साथ।